बेबी डॉल गाने से सुर्खियां बटोरने वाली सिंगर कनिका कपूर अपने जबरदस्त गानों को लेकर चर्चा में बनी रहती है। इन दिनों वो कोरोना वायरस को लेकर सुर्खियों में बनी हुई है। दरअसल लंदन से लौटी कनिका कोरोना वायरस की चपेट में है, जिसके चलते उनका इलाज चल रहा है। उनका इलाज लखनऊ के संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में हो रहा है, लेकिन इस इलाज को करवाने में भी कनिका के ड्रामे चल रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक SGPGI के डायरेक्टर जनरल RK धीमान ने कनिका पर ट्रीटमेंट में सहयोग न देने का आरोप लगाया है। डायरेक्टर ने कनिका को दी जा रही सुविधाओं और टाइट के बारे में पूरी जानकारी दी, साथ ही ये भी बताया कि ट्रीटमेंट में कनिका की ओर से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। डायरेक्टर का कहना है कि कनिका को हॉस्पिटल किचन से ग्लूटेन फ्री खाना दिया जा रहा है। इसके अलावा उन्हें बेहतर से बेहतर सुविधाएं दी जा रही हैं और उन्हें अटैच्ड टॉयलेट के साथ आइसोलेटेड रूम में रखा गया है। उनके कमरे में पेशेंट बेड के साथ TV भी है। उनका रूम एयर कंडीशनर है, इसमें अलग से COVID-19 यूनिट के मुताबिक एयर हैंडलिंग यूनिट भी है। उनका काफ़ी अच्छे से ध्यान रखा जा रहा है, लेकिन वो हमें पूरी तरह से सहयोग नहीं दे रही हैं। वो पेशेंट नहीं, स्टार्स की तरह बर्ताव कर रही हैं। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.